ओके नमस्कार एवरीवन एंड आई एम अगेन बैक। तो जैसा कि मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर टू से शुरू करेंगे। सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन नंबर टू और ये जो हम कर रहे हैं ये है फोर्स एंड मोशन। ओके द चैप्टर फ्रॉम द चैप्टर फोर्स एंड मोशन। सो नाउ सी हियर इन दिस क्वेश्चन टू व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन क्वेश्चन वन इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। नाउ अब इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि क्वेश्चन नंबर वन में जो अगला वीडियो में मैंने किया था आप उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं, तो उसी का ये दूसरा पार्ट है। आई हैव जस्ट यू नो थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैंने दूसरा पार्ट बना दिया, नहीं तो बहुत लंबा हो जाता। सो दैट इज व्हाई। सो नाउ सी हियर व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा इन क्वेश्चन वन इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, जबकि उन दोनों का जो डिस्टेंस था उसे आधा कर देंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा। सो सी हियर अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ इसको फिगर से समझेंगे। सो सी ये कितना था 200 kg, दिस वाज आल्सो 200 kg, इट इज सेंटर सेंटर है। अभी इसका जो डिस्टेंस था इट वाज 2 meter। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट द डिस्टेंस इज हाफ, इसका ये जो डिस्टेंस है इसका आधा हो गया, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, कितना होगा 1 meter। सो अभी इसका डिस्टेंस कितना हो गया, तो 1 meter हो गया, तब जाके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा। सो व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके सो दैट इज द क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर हम लोग आगे देखेंगे। सो सी हियर नाउ अब इस फिगर का काम हो गया, आप वीडियो पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। So now see here the mass of the bodies m1 and m2 equals 200 kg, same to same वो पहला क्वेश्चन में जो था उसी हिसाब से। डिस्टेंस d equals to 2 meter पहले था, so it is by 2, so it will be like 1 meter again, as the distance is halved we have written the reason also, right? Now see here the force of attraction here equals to what, अभी इसमें जो force of attraction होगा वो कितना होगा। So what is the force of attraction? Now we know from the formula that we know that F equals to capital G. Now अभी एक चीज आपको जानना होगा कि ये capital G और small G में काफी ज्यादा फर्क है। ये capital G stands for the gravitational constant और ये small G is a gravity value which is 9.8 m/s². ठीक है, so there's a difference and the capital G value is 6.67 × 10⁻¹¹. okay, so don't get confused here and never write the small g, यहाँ पे कभी भी गलती से भी small g मत लिख देना, नहीं तो वो mistake हो जाएगा। so now see here g is equal to g m1 m2 by d square, so f is equal to 6, so now what is the value of g, we know that because ये हमें रटना होता है या समझना होता है, so f equals to g, so g equals to 6.67 × 10⁻¹¹, so we have substituted the value of g. Okay, m1 and m2, m1 is 200, m2 is 200 and distance d square, see here, distance, what is our, kitna distance, abhi naya distance, distance aadha ho chuka hai, so 2 meter by 2 equals to kitna hoga, 1 meter, so that is 200 × 200/1, okay, and now this is like d square, so yahan pe maine direct likh diya hai, but if you want, yahan pe hum d square bhi likh sakte hain. So it will be like 1 ka square. Okay, so f is equal to 6.67 × 10⁻¹⁴ × 10⁴. ye kaisa hua I have shown you in the next video, so from there 4 × 10⁴ 1 ka square 1 equals to 4 ko isse multiply karenge, so the value will be 26.67 × 10⁻¹⁷. kya see here there is something missing, aur wo kya hoga, force ka unit हमेशा क्या होता है न्यूटन। ओके सो नाउ वी कैन राइट फोर्स इक्वल 26.68 × 10⁻¹⁷ न्यूटन। ओके सो नाउ दस इन द लैंग्वेज इससे ब्यूटीफुल तरीके से अगर लिखेंगे तो क्या होगा, दस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज इज 26.68 × 10⁻¹⁷ न्यूटन। नाउ सी देयर इज अ कैच, अभी यहाँ पे एक चीज देखने वाला बात है। नाउ सी हियर द आंसर इज 26.68 × 10⁻¹⁷। अभी इसको हम लिखेंगे 2.668 × 10⁻⁶, तो चलेगा या नहीं चलेगा ये आप हमें बताइए कमेंट में। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।